चौथा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है एवं यदि तत्व अणु रूप में हो तो उसे पहले परमाणु के रूप में वियोजित किया जाता है। आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होती है। आइए प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। आइए अब हम द्वितीय आवर्त को देखते हैं। लिथियम से नियॉन की तरफ बढ़ते हुए क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है? हम देखते हैं कि सभी कक्षाओं की संख्या 2 के और एल ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। आयनन ऊर्जा किसी विलगित परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। बाहरी कोश के प्रथम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगी ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 496 किलोजूल प्रति मोल है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीयक आयनन ऊर्जा कहते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद परमाणु पर इकाई धनावेश बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोडियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा 4563 किलोजूल प्रति मोल है। आयनन ऊर्जा का मान सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। समूह 1 व 2 के तत्वों के बाहरी कोश में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी +1 व द्विसंयोजी +2 आयन बनाते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋणावेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तब मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑक्सीजन के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋण 142 किलोजूल प्रति मोल है।
इस प्रकार ऑक्सीजन ऋणायन में एक और इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो मुक्त ऊर्जा को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धन 710 किलोजूल प्रति मोल है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। इसे अधिक समझने के लिए आइए इसके मानों का अवलोकन करें। छठवां, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध हो तो किसी एक परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे HCl अणु में साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के अधिक निकट रहता है। वह परमाणु जो साझे के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है अधिक ऋण विद्युती कहलाता है और वह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने और इस प्रकार आंशिक ऋणावेशित हो जाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न है। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण है, अतः यह सापेक्ष संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है, इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विद्युत ऋणात्मकता, जब दो भिन्न परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं तब बंध द्वारा जुड़े दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से साझा नहीं होते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के मध्य में नहीं रहते बल्कि अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले परमाणु की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार यौगिक में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म को क्लोरीन आकर्षित कर लेता है, अतः क्लोरीन हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता का मान आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को एक परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिससे परमाणुओं पर आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश आ जाता है। छोटे परमाणु आकार के तत्व बड़े परमाणु आकार की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करते हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होना धातु का गुण है तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होना अधातु का गुण है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है।